हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे कि किसी संख्या को आप कैसे पता करेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं कि ज्ञात कीजिए कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, ये पता होगा तभी आप बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे आपका 3 है, 3 का यदि वर्ग करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 होगा। 16 यदि आपसे पूछे कि 16 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप बताएंगे कि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि इस तरीका से कोई संख्या होती है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आपको ये बात तो समझ में आया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। जिसका हम पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो चलिए, आपके सामने 3 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है कि 360 और सेकंड है 810 और थर्ड है 640। आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलते हैं, 360। ठीक है, 360 को क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या से भाग देना। तो यहाँ पे आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से कटे या खुद या एक से कटे। इतना पता होना चाहिए कि वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाए। जैसे देखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 स्वयं से कटेगी या एक से कटेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 5 एक अभाज्य संख्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह वे संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, उस तरह की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यानी 360 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड पहले आप क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या 2 यानी जो सबसे छोटी संख्या है इसमें भाग देंगे। देखिए, 2 से भाग देते हैं। देखिए, 2 × 1 = 2 होगा और 2 × 8 = 16 होगा और 2 × 0 = 0 होगा। फिर 2 का भाग देंगे, जब तक ये कटता रहेगा तब तक इसका भाग देंगे। 2 × 9 = 18 = 0 हो जाएगा। फिर 2 से भी कटेगा, 2 का भाग दीजिए। चलिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे तक। 2 का भाग 90 में देगा, 45 बार में कटेगा। अब देखिए कितना से कटेगा, 3 से। चलिए, 2 के बाद 3 तीसरी जो अभाज्य संख्या है 3 है, 3 से भाग दीजिए। 3 × 3 = 3 × 5 = 15। फिर अभी 3 से कट रहा है, 3 से कटाइए, 3 × 5 = 15। फिर अब 5 अगला अभाज्य संख्या क्या, 5 है, 5 से कटाइए, 5 × 5 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए, इसको आप यहाँ पे सॉल्व की देखिए कितना ये अभाज्य गुणनखंड है। इसको यहाँ पे गुणा में लगाए, 2 × 2 = 2 हुआ। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लीजिए × 3। फिर 3 है तो 3 लीजिए गुणा में। यहाँ पे × 5 है तो 5 लीजिए। चलिए, इसका अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और जोड़ा बनाते हैं कि यहाँ पे कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए, एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर यहाँ बना। देखिए, अब यहाँ पे शेष बच रहा है आपका, 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है। 2 और 5 का यहाँ पे आपका पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए 2 और 5 का जब पेयर नहीं बन रहा है तो ये एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या 360 नहीं है। ठीक है, नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या 360 नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 810 है। अब 810 इसी तरह अभाज्य संख्या से भाग दीजिए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे 810 को सॉल्व करते हैं। 810 यहाँ पे ये भी पहले 2 से कटेगा, 2 से यहाँ भाग दीजिए, 2 चौक 8 भाग नहीं जाएगा 0 होगा, 2 5
10 हो जाएगा। चलिए अब अगली संख्या से भाग देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से 2 से कटेगा नहीं, 5 से भाग देते हैं। देखिए 5 बटे 40 हो जाएगा, 5 के 5 होगा, अब 81 हो गया। 3 से कटेगा, 3 से कटाइए, 3 दुना के 6 होगा, 3 सात 21 होगा। फिर 3 से कटाइए, 3 सात 21 होगा। फिर सॉरी दोस्तों, 3 नवा 27 होगा, यहाँ पे 3 नवा 27 होगा। अब 3 से कटाइए, 3 का भाग देंगे, तितली के 9 होगा। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी इसको गुणा के रूप में लिखिए। देखिए 2 गुणे 5 हैं तो 5 लिखिए, अब गुणे 3 है और गुणे 3 है, गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 3 4। चलिए यहाँ भी इसका पेयर बनाए, जिसका पेयर बन जाएगा, देखिए इसका बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। जब 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसका 810 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए लिखेंगे कि 810 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 640 था आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या है 640, यहाँ पे 640 लीजिए, यहाँ पे इसको भी उसी तरह सॉल्व कीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कटाइए, पहले 2 3 6, 2 2 4 0, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 2 और 2 6 12 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 2 8 16 0, फिर 2 से भी, जब तक 2 से कटेगा तब तक कटाते रहेंगे, 2 4 8। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए 2 2 4 हुआ, फिर 2 से भाग दीजिए, इसमें 10 हुआ, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 हुआ, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 5। इसको अब भी गुणा के रूप में लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, और फिर 5 है तो 5 लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 5। ठीक है, देखिए अब पेयर बनाए, 2 का बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन इस 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 640 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। जब 640 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसलिए लिखेंगे 640 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीका से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।